भाई साहब देख रहे हो कैसे बैठे हैं, अब सारे खर्चा घर बैठे। आप तो वेगन तैयार हो ली सुबह जल्दी खर्च करना पूछो है। अब तेरी गल लग तैयार की नो जावे मेरी गल लग रहा तैयार हो जा, तैयार हो जा हिमाचल ना भाई। फिलहाल लेते हैं ना के निकलते हैं क्योंकि भाई जल्दी जाना है, क्योंकि हम लेट पहुंचना नहीं चाहते। बाकी हमारे खूब कोशिश की जल्दी 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 में, बट फिर भी लेट हो ही जाते हैं। बट कोई नहीं, लेट हो रहे हैं तो मैं सोचो जब तक मैं हेयर वॉश कर लूं। और हेयर वॉश के लिए मैं आजकल, मैं पता क्या हो रहा है मेरे को, मेरे हो रहे हैं हेयरफॉल, क्योंकि मैं यार हेयरफॉल से बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूं आजकल। बहुत ज्यादा ऐसे करते ना तो बाल देखो आ जाते हैं हाथ में, तो वो ही कम करने के लिए तुम्हारे भाई ने मंगाए हैं बी ब्लेंड से ये प्रोडक्ट। ये है बी ब्लेंड के हेयरफॉल कंट्रोल शैम्पू, और इसी के साथ आता है हेयरफॉल कंट्रोल कंडीशनर, एंड ये आता है टॉनिक। और ये हार्मफुल भी नहीं है क्योंकि ये SLS एंड पैराबिन फ्री है। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो है पी प्रोटीन, इज ए पावर ऑफ प्रोटीन एंड एसेंशियल एंड मिनरल्स, जो हेल्प करते हैं केराटिन को रीबिल्ड करने में। ये हेल्प करता है डैमेज बालों को रिपेयर करने में एंड रिवाइव लैम्प हेयर। और साथ इसमें है कैफीन, जो कि आपके बालों को नरिशिंग एंड भाई आपके बालों में जान प्रोवाइड करता है। और इन प्रोडक्ट को यूज करना भी बड़ा ही आसान है। पहले शैम्पू लेना है, अपने बालों में लगाना है, वॉश कर देना है। देन बारी आ जाती है कंडीशनर की। कंडीशनर लेना है, अपने बालों में अच्छे से मसाज करनी है, उसके 3 मिनट बाद उसको वॉश कर देना है। और शैम्पू कंडीशनर करने के बाद आपको पता है ये अप टू 93% आपके हेयर फॉल को रिड्यूस कर देता है। और साथ ही इनको हेयर एक्सपर्ट ने डिजाइन किया है, सैलून लाइफ हेयर एट अनबिलीवेबल प्राइस ऑफ 399। एंड अब बारी आ जाती है भाई हेयर फॉल कंट्रोल हेयर स्कैल्प टॉनिक की। एंड इसको यूज करना भी बड़ी आसान है, और आप इसको किसी भी टाइम दिन में यूज कर सकते हो। वैसे अपने स्कैल्प में इसको यूज करना है। और जो टॉनिक मैंने अभी यूज किया है ये आपके हेयर ग्रोथ को 60% बढ़ा देता है, वो भी 56 डेज में। तो आप गुड बाय कर दो हेयर फॉल को। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगा, आप जाके परचेस कर सकते हो। बाकी आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और नायका पे इजीली मिल जाएंगे। अगर आप बी ब्लेंड की ऑफिशियली वेबसाइट से परचेस करते हो और मेरा कूपन कोड यूज करते हो जो 2023, तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। और अगर आपको बी ब्लेंड के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, बी ब्लेंड एक प्रीमियम हेयर केयर एंड हेयर स्टाइलिंग ब्रांड है। अगर आप बी ब्लेंड की ऑफिशियली वेबसाइट से इनको परचेस करते हो तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं एक वुमन के साथ, जिसको वो इंपावर करते हैं विद संभव फाउंडेशन। और इनका एम है 10,000 वुमन को इंपावर करना। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आपको हेयर फॉल है, और भाई अगर आप चाहते हो कि आपका हेयर फॉल कम हो जाए और आपकी हेयर ग्रोथ हो जाए तो ये प्रोडक्ट मंगाना मत भूलना। तुम्हारा भाई बोल रहा ना मंगा लो। अच्छे लग रहे ना, आपका गाड़ी का एकदम लुक होगा, चौड़ ब्रॉड होगा। अबे वाले ने कब आगे ट्रक है, टेम्पो वाले वे बुरे लगे। फिर ये वे भी है ना फ्लेक्सिबल है, ये वे भी फ्लेक्सिबल है, ये भी फ्लेक्सिबल। देख क्या होता है इसे, हैं गारा नहीं जाएगा। अरे नहीं हवा कटेगी इससे, एयर मतलब भगेगी ना गाड़ी। देख ले राजस्थान गाड़ी आज यही चला रहे हैं, हमें चलाना तो गाड़ी आने दो, आने दो लोग सेक्सी रही है भाई गाड़ी, जान 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 भाई। एक तो भाई मेरे को बिल भर के आना है, एंड दूसरी चीज क्या है, इन्हें LCD लेके आनी है वो, और 2 AC लेके आना है क्योंकि जो मम्मी वाले रूम का AC है ना वो खराब हो गया है। क्या है भाई, जो पेंट का काम हुआ ना, पेंट के काम के चक्कर में सारे AC खराब हो गए। उनके आगे के, एक की तो आगे की जाली ना पा रही भाई, पूरा मतलब पूरा जो फेस होता है वो ही नहीं पा रहा। हाँ भाई आराम से भैया। हेलो भैया, सस्पेंशन 18-17 लाख रुपए का है। डरा रहा है तू, बता रहा हूँ गाड़ी चला रहा है। अच्छा ब्लॉगर में देख रहा हूँ भाई, इन्फ्लुएंस मत हो ऐसा, ब्रेकर ना छोड़ दे रोड पे, कितनी भगा ले घर मजा आएगी गाड़ी में, वो तो सेफ्टी बॉक्स है भाई। सुबह उठते ही कुछ नहीं भाई, चलो भाई चलो भाई चलो यार, कहीं उस जाज 2 रुपए रह रहे। अरे पैसा तो मेरे द्वारा कहां है, हां पावर दोनों पावर में बीचों बैठ दाल रोटी तो खाई लेते हैं, दाल रोटी तो खाई लेते इतना तो है। हां भाई दाल रोटी तो खा ही लेंगे, पर वो दाल पसंद ना है, एंड खूब खा दाल, वो ना दाल पसंद चटनी रोटी खा लेते हैं, चटनी खा लेंगे, चटनी तो हम टाइम चला ले बस। देखो मेन चीज है भैया, हम मैं देसी खाने वाले चटनी और चटनी यार वाले। मैं सही बताऊँ, हमारे ना राजस्थानी सब्जी खाएगी, सब्जी बनाएगी, मैं कह सब्जी बावली है तू, सब्जी क्यों बनानी है, चटनी तो हम चटनी खाने वाले हैं। नमकीन वो मिला के सब कौन सी, अरे जो नॉर्मल नमकीन आवे वो, उनमें प्याज काट के मैंने एक दिन देखी रोटी खा रही है, रोटी और नमकीन और थोड़ा सा नींबू डाल के फिर उससे रोटी खाना डन है। कुछ लोग तो मैगी से खाते हैं। अरे कुछ लोग मैगी तो खा ले, मैगी तो अच्छी चीज है, नमकीन की क्या कौन रोटी खावे। इन्हें एक दिन मुझे पता कि जब स्टार्टिंग में मैं कहा गया, हम गए जैसलमेर गए, जब पता क्या सेव टमाटर खाए तो नमक सेव की सेव टमाटर सेव टमाटर काट के देंगे
माँ के सबसे टमाटर खाएंगे टमाटर काट कर सब्जी बनाते हैं। जब नमकीन आए ना वो मिर्च जिंदगी देखी मिर्च का तड़का अंग अंग बड़का मेरा जी निकलेगा भाई कसम। देखे वा मैं जब आड़ू भी आए समोसे तक आड़ू बच के परमठे बना दिया ने। एक बार दक्ष भैया आलू आलू के समोसे लेकर आए थे बहुत सारे, तो ये बच्चे क्या करते हैं समोसे का वो पपड़ी हाँ वो खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं? पपड़ी। अरे जो रैपर बोलते हैं कवर कवर अरे और मसाला रह जाता है तो क्या बच्चे मसाला साइड में रख देते। तो क्या हुआ दक्ष भैया ने बोला यार प्रतिभा आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है। मैंने ठीक है भैया 10 मिनट तो अभी बना रही हूँ, 10 मिनट में नहीं बनेंगे यार भूख तो अभी लग रही है। मैंने नहीं 10 मिनट में बना दूंगी। मैंने वो मसाला भर के और ना आलू के पराठे बना के दे दिए। तो दक्ष भैया कहते हैं यार ये कुछ तो गड़बड़ लग रही है भीतर उसका आ गया समोसे का फ्लेवर। अभी तो भाई कंफ्यूज इतनी है। हाँ क्रोम पंप चल लेते हैं 10 मिनट का क्रोम पंप देख के एलसीडी यार वो स्क्रीन क्रीन क्या लगा लेंगे अपने। ठीक है कल एक गाड़ी खर्चा एक तो गाड़ी का खर्चा आपका खर्चा आपकी गाड़ी या लाडी कराती है और कोई नहीं। वो भी करूंगे भाई साहब गाड़ी या लाडी दोनों का खर्चा मेरी जिंदगी में और कोई खर्चा ना हो। मैं खुद एक खर्चा ना हूँ अपने ऊपर कोई खर्चा नहीं करता मैं। अच्छा लोग who's talking who's wearing 5000 एक इंग्लिश में बात करें वो समझ में ना भाई। who's talking who मो के मतलब who को कौन बात कर रहा है। हाँ यार कौन बोल रहा है ये तो देखो जो इतने महंगे महंगे कपड़े पहनने लगे। एक लत्ते कपड़े पहनता हूँ और वो भी कितने के महंगे पहनता हूँ कहाँ महंगे भैया 2000 रुपए 5000 रुपए के जूते तो ऊपर है जूते। अरे कितने महंगे खवादे जूता तो कितने लगवा ला मेरे वो कोई फर्क ना पड़े लाख बोल रहे। हमारा बम्बू का चैनल है भाई बम्बू के चैनल को सब्सक्राइब कितने सब्सक्राइबर होंगे मैं जल्दी होता हूँ 31,800 भाई। एक काम कर दो सुनो मेरी बात तुम मेरे तो भाई भाई से प्यार करते हो तो बम्बू के जल्दी से 50,000 सब्सक्राइब करवा दो। बम्बू XXZ नाम से है भाई का चैनल भाई के हमारा भांजा भाई का नहीं हम दोनों का है मैं राजस्थानी कर बम्बू का पार्टनरशिप में है तो जल्दी से 50,000 के करवा दो फिर छोरा के प्ले बटन भी लेके आना है। तुम्हारा भाई बोल रहा है देखो तुम्हारा भाई बात रख लो प्लीज भैया भाई ना तुम मेरे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को। और ऊपर से ना देख अगर मैं बताता हूँ तुम ना दो इंसान की जोड़ी है इसके चैनल पे जाके देखना राजस्थानी की और इसकी जो लड़ाई बाज थे जो झगड़ा होते हैं आपस में भाई मतलब अव्वल लेवल के होते हैं। वैल्यूम छोड़ दो 1500 रुपए पार्किंग है 150 रुपए भाई साहब। सीन ये है कि आज तो मैंने एक बात पूछवा था मैं और जब जब ये आज भी मेरे साथ आया ना मैं लगा ले मैं रोया हूँ घर जाके। सुन एक बात हूँ आगे आगे भग रहा है हाँ था यू आदमी जैसा आया एक दिन हम घर वाले ने फ्रिज लेने भेजा जब फ्रिज लिया मैं आया मैंने देखे मैंने यार एक तो घने महंगे और मैं कौन से महंगे 40-50 हज़ार वाले मैंने यार महंगे दे रहे हैं उसमें 10-5 हज़ार रुपये का डिस्काउंट डिस्काउंट पर लड़ाई बाज रही थी मेरी उनसे भाई साहब आज उनका ना मैं लेकर आऊंगा यू आया 1,80,000 फ्रिज लेकर मैं भाई आप फ्रिज का क्या काम है नुकरा में स्क्रीन लग रही है अगर फ्रिज लेके दो स्क्रीन और भी आ जाता गैर बाकी जो फ्रिज वाली स्क्रीन है कोई नहीं देखता उसको बस ये मैं की बात ही 65 वो 1,60,990 की वो 1,45 के आसपास पड़ेगा वो 75 सुन एक यूपी और देख एलजी की हुआ है वो जो हम लेके गए नैनो सेल वाली हुआ है जो हमारे ऊपर लगी है एलजी नैनो सेल 55 इंच में बड़ा इतनी काफी है वो ठीक है वो ज़्यादा बड़ी है। अरे नहीं हम ऊपर लगाए ना उसका स्टूडियो में स्टूडियो वाले रूम में लग गए वो 2,00,000 रुपये करवा दिया एक LCD करवा दी 2 AC करवा दिए एक AC अभी भी बाद में लेके जाऊंगा अभी क्योंकि उसका क्या सीन है कि जो पुराने AC अपने निकलेंगे ना उनको बेच दो उनको जो पैसे बचे उसके लिए आएंगे तब ले ले देख ले भी ले अब तो तुम अपना देखे मुड़ के मैं पूरा जगह घूमा फिरा लास्ट में आके मुझे पता था यहीं से है क्योंकि जो मॉडल हमने देखा था ना जो मॉडल हमको पसंद आ रहा था वो क्रोमा में था और कहीं था नहीं और उसी प्राइस में एक बार पसंद आ जाना फिर कोई वहाँ कलावा कुछ मिला है। हाँ बात भी वो भी सही है भाई जैसे मेरे को डिफेंडर देखे एक बार भी पसंद आ गई तो मैं गाड़ी लानी थी लानी है उसके सामने मैंने बहुत सारी गाड़ी देखी बट पसंद ही नहीं आई थी ना और भाई इसके चक्कर में ना यार बिजली के बिल ना भर पाया यार बापू गाड़ी देगा जाकर कौन भरेगा बिजली के बिल तेरा बाप भरेगा अभी भरना पड़ा भैया
देखिए क्या फ्लैग क्या लग रहा है, हवा चल रही है आज तो बड़ी प्यारी वाली, बट गाड़ी थोड़ी सी आराम से चली है। गाड़ी के कुछ नहीं होने चाहिए मेरे के। हाँ चल चल, चगत सी होनी चाहिए। हाँ सीट बेल्ट अब लगाई जाए क्या। लेकिन तो डर ना लग रहा है बैठ के भाई, फोन फेंक दूं और साइलेंट भी नहीं था, फिर मैंने लास्ट में साइलेंट किया एंड फिर मैं वापस आया। तो भाई फिलहाल मैं आया था जिम एंड जिम के नीचे मेरे को मिले भाई, और भाई सुनाएंगे आपको एक शायरी। भाई सुना दे भाई। सारे भैया ने मुकेश जांगड़ा की औरत है और भाई के लिए एक शायरी प्रस्तुत है कि आके देख गुड़गांव तने अलग ही रुतबा पा जाएगा, सुनकर देख भाई की बात कति ज्ञान सा आ जाएगा, छोरा लाग रहा है मेहनत करने में एक दिन हरियाणा का नाम चमकावेगा, और तू पूरी दुनिया हांड लिए तेना अज्जू भाई पर का बंदा टोए तो नहीं पाओगा बेटे। माज कर दे बहुत तगड़ी बात भाई, मैं माज कर दे भाई ने लिख रखी जो और आप कंप्लीट फोन रखते हैं जब तक तो वाली बात है, चाहे डम्बल गायब है चाहे मशीन पे कब्जा हो जाता है, तो इस चक्कर में हम नहीं कर पाते। और जो आज मैं सामान लेके आया था उसकी डिलीवरी है भैया कल होगी, कोशिश तो पूरी की थी कि भाई आज ही हो जाए हर चीज़ आज ही हो जाए, बट आज हो नहीं पाई भाई। तो मेरे को ना घर के लिए ऑल आउट लेके आ रहे 3-4, क्योंकि घर वालों का फोन आ गया, मच्छर ने भाई साहब जीर्ण हराम कर रखा, बेड पे पकड़ के खुद ले चला बाहर को, एसी और पंखा नहीं हो ना तो लो जान तो मार दे, एसी में भी खाने लग रहे भाई मच्छरों ने, तो भाई विंटर्स वाले कपड़े भी पहन लिए है और एग्जॉस्ट इतना तगड़ा होता है ना उनका भाई साहब, और बिल्कुल ऐसा लगता है सुपर बाइक की तरह, कभी देखा है हाईवे पे खड़े हो सुपर बाइक गई ऐसी आवाज आती है। तो भाई सामान ले लिया एक तो ये रहे, और ऊपर से हमारे साथ मिल गया हमारा भतीजा लाडलो भांजा। हेलो भैया, ये तो बॉडी वाला आदमी है, ये तो हैवी वाली बॉडी है, हमारी थोड़ी हल्की है ना। कहाँ रह गए? अब तो गाड़ी की पार्किंग बहुत तगड़ी जगह मिल गई, सेंटर प्लाजा बहुत टाइम बाद सेंटर प्लाजा है मैं, बट यहाँ ये प्रॉब्लम है जैसे गाड़ी आ रही ना ये गाड़ी बैग जाएगी बेचारी पूरी।